अनन्य शरण यदि देखे दुराचार तथापि से साधु सेव्य सभाकार। भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं अनन्य शरण, अगर किसी व्यक्ति ने अनन्य भाव से, अनन्य मतलब होता है और अन्य कोई भावना नहीं है उसकी, उसकी एकमात्र कृष्ण शरणागति है, जिसने अनन्य शरण ले रखी है और उस व्यक्ति की अगर कभी कोई गलती कोई त्रुटि दिख भी जाए, तथापि से साधु सेव्य सभाकार, उसको साधु मानना चाहिए। गीता में भी भगवान कहते हैं अपि चेत दुराचारो भजते माम अनन्य भाकम साधुरेवम ही मंतव्यम सम्यक व्यवस्थित हो हिसा। जो व्यक्ति सम्यक रूप से भगवान के नाम जप में लगा है, उससे भूले भटके कोई त्रुटि हो गई, भगवान का प्रचार कर रहा है उससे कोई त्रुटि हो गई, तो ये जरूरी नहीं है तुम क्या कर रहे हो, ये तुम्हारी गलती है। जिसने अनन्य शरण ले रखी है, यदि उसमें कोई गलत चीज भी दिख जाए, कोई त्रुटि दिख जाए उसके कार्य में, तो भी उसको साधु ही मानना चाहिए, क्योंकि वो सम्यक रूप से भगवान से प्रार्थना कर रहा है, प्रभु मुझे अपने नाम के अंदर रुचि उत्पन्न कराइए, अपने नाम की सेवा में मुझे लगाइए। कोई भी व्यक्ति जिसके मुख में एक बार भी पवित्र नाम सुन लेता हूं, मैं उसे वैष्णव बुलाता हूं और मैं उसे प्रणाम अर्पित करता हूं। भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं हे न साधु मुखे यबे शुनी एक नाम वैष्णव बलिया तारे करीबे प्रणाम। वैसे तो चेतन महाप्रभु कहते हैं जिसने शुद्ध नाम लिया वो वैष्णव है, परंतु हमारी दृष्टि में, क्योंकि हम वैष्णव नहीं है, जैसे हम छलनी के समान है, बहुत छेद है हमारे अंदर, है ना, लेकिन फिर भी हम सुई होगी उसका एक छेद दिख जाएगा ना, ओहो देखो एक छेद है इसके अंदर, तो वो एक छेद देखते लेकिन ये नहीं सोचते हम तो छलनी है, जिससे हम दूध या पानी या नींबू शरबत को छलनी से छानते हैं, उसमें कितने हजारों छेद है, सैकड़ों छेद है, उन सैकड़ों छेद वाली छन्नी अगर किसी पर उंगली उठाए तो ये ठीक नहीं है, है ना। पहले एक कहावत होती थी बुरा जो देखन मैं चला बुरा ना मिलिया कोई जो मन खोजा अपनो तो मुझसे बुरा ना कोई। तो अगर व्यक्ति अपनी त्रुटियों पर काम करने लग जाए बढ़िया लाइफ हो जाएगी उसकी, लेकिन लोग करते नहीं है, लोग करते हैं दूसरे को करेक्ट करेंगे, अरे बड़ी प्रॉब्लम है, अरे भाई तुम में कितनी प्रॉब्लम है। इसलिए जब हम आए थे इस्कॉन में या हम भक्ति मार्ग में आए, तो हम श्रील प्रभुपाद की एक पुस्तक पढ़ते हैं साइंस ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन, आत्म साक्षात्कार का विज्ञान, लेकिन धीरे धीरे सेवा करते करते वो पुस्तकें निकल जाती हैं और मन में एक ही चीज रहती है साइंस ऑफ अदर्स रियलाइजेशन। दूसरा व्यक्ति भक्त बन रहा है नहीं बन रहा है इस पर हमारी दोष दृष्टि ज्यादा है, मैं बन रहा हूं नहीं बन रहा हूं इस पर हमारा फोकस नहीं है। इसलिए अगर किसी ने हरि नाम करना प्रारंभ कर दिया है उसके प्रति भी दोष दृष्टि नहीं रखनी चाहिए, अगर करेक्शन भी करना होगा तो वो अथॉरिटी करेगी, वो भी हिज होलीनेस गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज अपनी प्रश्नोत्तरी में कहते हैं अगर त्रुटि भी किसी अथॉरिटी को करेक्ट करने का मौका मिले, क्योंकि यहाँ पर कोई भी अधिकारी या प्रभारी नहीं है, यहाँ पर सभी सेवक हैं, तो उसको बड़ी विनम्रता पूर्वक कहना चाहिए प्रभु जी माता जी आप में ये गलती है अथॉरिटी को, और फिर आप इस प्रकार से इसको सुधार लें, ऐसा महाराज जी गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज अपनी प्रश्नोत्तरी पुस्तक में कहते हैं। कहते हैं व्यक्ति को साधु पुरुष जिसने पवित्र भगवत नाम का आश्रय स्वीकार कर लिया हो वो देवी देवतागण या अन्य शास्त्रों की निंदा नहीं करता है। तो व्यक्ति का कैसे पता चलेगा कि ये वैष्णव भक्त बन गया है, अन्य देव अन्य शास्त्र ना करी निंदन, अन्य शास्त्रों की या अन्य देवताओं की वो निंदा नहीं करता है। नामेर आश्रय लाए शुद्ध साधु जन, साधु मतलब ये नहीं कि वो कौन से आश्रम में है कौन से वर्ण में है, वो ग्रस्त भी हो सकता है, वो ब्रह्मचारी भी हो सकता है, वो सन्यासी भी हो सकता है, वानप्रस्थ भी हो सकता है, वो ब्राह्मण भी हो सकता है, क्षत्रिय भी हो सकता है, वैश्य भी हो सकता है, शूद्र भी हो सकता है। साधु मतलब जो साधना करता है और साधना के साथ उसका ध्येय क्या है, उसकी सोच क्या है, अन्य देव अन्य शास्त्र ना करी निंदन, दूसरे शास्त्रों की या दूसरे देवताओं की निंदा नहीं करता है। नामेर आश्रय लए शुद्ध साधु जन, जो शुद्ध साधु है वो नाम का आश्रय लेता है। इसलिए अगर कभी कोई गलती से साधु की निंदा सुने, यहां साधु निंदा तहां नहीं भक्त स्थिति अतएव अपराध तथा परिणति, अगर कभी कोई साधु निंदा करता हुआ आपको मिल जाए तो कह देना चाहिए सॉरी सॉरी प्रभु जी टाइम नहीं है, कोई सेवा है ये माता जी टाइम नहीं है सेवा है, निकल जाना चाहिए। क्योंकि अगर एक भक्त की निंदा करने वाले व्यक्ति की भक्ति में कोई स्थिति नहीं है, उसके द्वारा किए गए अपराध उसे अभक्त बना देते हैं, उसको अभक्त बनाएंगे और उसको बहुत नीचे नर्क लोगों में ले जाएंगे, तो उस व्यक्ति को
बड़ा सोच समझ करके ऐसे कार्य करना चाहिए। इसीलिए शास्त्र कहते हैं प्रजल्पा मत करो। जब आप कृष्ण को छोड़कर के चर्चा करोगे तो कहीं ना कहीं ह्यूमन मेंटेलिटी है कुछ किसी की नेगेटिव, तो कई बार लोग बोलते हैं अरे मैं तो है ना करेक्टिव फीडबैक दे रहा था। वो करेक्टिव फीडबैक नहीं है, कहीं ना कहीं मैं उस व्यक्ति से क्या कर रहा हूं, उसकी निंदा कर रहा हूं। कहते हैं निंदनम दोष कीर्तनम, कीर्तन तो कर रहे हैं लेकिन निंदन दोष कर रहे हैं। तो भागवत में बताया गया है कि व्यक्ति को श्रीधर स्वामी कहते हैं निंदनम दोष कीर्तनम, दोष कीर्तन नहीं करना चाहिए, हरि नाम कीर्तन करना चाहिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। निंदनम दोष कीर्तनम, बहुत मजा आता है ये करने के लिए, हमारे कानों में बहुत रस मिलता है, हमारी जिह्वा को बहुत स्वाद आता है। श्रीमद् भागवत सचेत करता है, बहुत ध्यान देने वाली बात है। दसवां स्कंद 74वां अध्याय 40 नंबर श्लोक में यहां पर वर्णन किया गया है, कहते हैं निंदाम भगवत श्रवणस्य तत परस्य जनस्य वा ततो नापेति यसोऽपि यताघ्या सुकृत आच्युत। क्या समझे? निंदाम भागवत श्रवणस्य, किसी भागवत भक्त की अगर निंदा श्रवण भी कर ली, तपस्या जनस्य वा ततो नपोति यसोऽपि, अगर कोई व्यक्ति ऐसी निंदा करी जा रही हो उसको सचेत हो जाना चाहिए, उस स्थान को छोड़ करके भाग जाना चाहिए। जो व्यक्ति तत्काल उस स्थान का त्याग नहीं करता है जहां भगवान अथवा उनके सच्चे भक्तों की निंदा की जा रही है, वो अपनी भक्तिमय सुकृतियां खो बैठेगा और नरक में गिरेगा। सुकृत अच्युत, जितनी भी सुकृतियां उसने अर्जित की थी, वृंदावन धाम यात्रा, नवदीप धाम यात्रा, जगन्नाथपुरी धाम यात्रा और इतने सारे फेस्टिवल्स में अभिषेक देखा, सब कुछ किया, लेकिन कुछ तो रोक नहीं पाया और निकल गया जुबान से। तो व्यक्ति को ध्यान देना चाहिए दो चीजों का, मुंह के अंदर क्या जाए और मुंह के अंदर से क्या बाहर आए, इस पर एक ताला लगाना चाहिए। जैसे श्रील प्रभुपाद कहते हैं, रूप गोस्वामी ने कहा सेवा उन्मुख जीवा दो, इस जीवा के दो ही काम है, एक तो बोलना और दूसरा प्रसाद पाना। तो बहुत ध्यान दे, सतर्क रहना चाहिए कि हमारे मुख में क्या जा रहा है, क्या कृष्ण को अर्पित भोग ही मैं प्रसाद के रूप में ग्रहण कर रहा हूं या मैं सड़क से बिकने वाला कोई भी पिज्जा नॉन अनियन गार्लिक का उठा के खा लिया हूं। तो जिस प्रकार से हम सतर्क रहते हैं कि हम प्रसाद ही पाएंगे, वैसे ही हमको सतर्क रहना चाहिए कि हम क्या करेंगे। जब इस जिह्वा से कुछ चीज निकलेगी 100 बार सोचो। कहते हैं बंदूक से निकली गोली और मुख से निकली बोली कभी वापस नहीं आती है। तो बोलने के बाद गिल्टी होना क्या मूर्ख और एक भक्त में क्या फर्क है? भक्त होता है वो बोलने से पहले सोचता है क्या मुझे ये बात बोलनी चाहिए नहीं बोलनी चाहिए। कृष्ण की चर्चा तो वो बोलता ही है हमेशा, लेकिन अगर किसी में दोष दिखता भी है तो सोचता है बोलूं ना बोलूं, बोलूं ना बोलूं, चलो ऐसा करता हूं, विनम्रता से प्रेम पूर्वक बुरा ना माने हाथ जोड़ करके इनको ये एक करेक्टिव सजेशन देता हूं, वो एक अलग बात है। लेकिन व्यक्ति जो है ना वो बिना सोचे समझे बोल दे और फिर 100 बार सोचता रहे ओहो मुझसे गलती हो गई, मैं कैसे अब इस बात को करेक्ट करूं, ये फंस जाएगा। खाली सुकृतियों का नाश नहीं होगा, नर्क में चला जाएगा। आप कहेंगे ऐसा भी हो जाता है? हाँ ऐसा भी हो जाता है। श्रील भक्ति विनोद ठाकुर इस बात का उदाहरण देते हुए कह रहे हैं कि एक बार वो मायापुर में एक मंदिर में जाकर रुके थे और उस स्थान पर मंदिर में जब वो रुके तो किसी को मालूम नहीं था कि केदारनाथ दत्त अपने बच्चे अपने परिवार के साथ इस मंदिर में रुक रहे हैं। और वो आए, उन्होंने सोचा भाई मंदिर में आश्रम होता है, उस कमरा एक कमरे में आकर के वो रह गए। सुबह जब वो बाहर उठे तो उनसे एक व्यक्ति ने पूछा, कहते हैं कि केदारनाथ जी आप इस जगह रुके थे, आपको बताना चाहिए था, आप रात्रि आए हैं, आप हमारे यहाँ रुक सकते थे। बोले नहीं नहीं कुछ हुआ तो नहीं? कहा नहीं कुछ हुआ नहीं। बोले क्यों? बोले नहीं यहाँ पर अधिक लोग रहते हैं तो उनको प्रेत नजर आता है रात के समय। प्रेत? भूत नजर आता है? कहा? कह रहे हैं हाँ सर मुझे कुछ फील हुआ क्योंकि मैं जब लिख रहा था रात्रि में तो मेरे क्योंकि श्रील भक्ति विनोद ठाकुर 10 बजे सोते थे, 12 बजे उठ जाते थे और फिर अपनी राइटिंग्स करते थे, कहीं पर भी रहे रुकती नहीं थी, सतत भगवान के भजन में रहते थे, तो लिख रहे थे। तो बोले पेन मेरे शाही को किसी ने गिरा दिया, खिड़कियां बज रही थी, बहुत जोर जोर से हवाएं चल रही थी, मुझे ऐसा लगा कि कोई नेगेटिव वायु है,
कोई हवा है, ऐसा प्रेत आत्मा है। तो मैंने जोर जोर से हरिनाम कीर्तन किया और उसके बाद सब कुछ शांत हो गया। तो बोलते हैं भक्ति विनोद ठाकुर से व्यक्ति, चलिए आप बच गए क्योंकि आप एक अच्छे भक्त थे। तो उन्होंने कहा किसका प्रेत रहता है यहाँ पर? कहा कि वो पुजारी यहाँ पर रहता है और वो भी आप ही की तरह जाप करता था, लेकिन पता नहीं वो जाप करके प्रेत क्यों बन गया और आप कह रहे हैं कि आपके जाते वो भाग गया। तब भक्ति विनोद ठाकुर जी ने उनको बताया कि वो जाप से इसलिए भाग गया क्योंकि मैंने भगवान का चिंतन करके निरअपराध होकर के नाम का जप किया है और वो व्यक्ति जाप करता था तो उसके साथ वो क्या क्या क्रियाएं करता था। तो लोगों ने बताया वो क्रिया करता था, जाप करता था, लोगों की निंदा करता था, परस्त्री गमन करता था, चार नियमों को भंग करता था, इस कारण से उसका पतन हुआ और वो प्रेत बन गया। आप कहेंगे प्रेत क्यों बना? इसलिए कि जो नाम जप करते हैं वो अगर बहुत ज्यादा अधिक निंदा ना किए हो, खाली उन्होंने नियम तोड़े हो और गुरु की शरणागत नहीं गए हो, तो गुरु के नियमों का पालन ना करते हो, तो ऐसा व्यक्ति जो होता है वो नरक जाने से तो बच जाएगा और उसके इतने अच्छे पुण्य नहीं है कि वो स्वर्ग जा सके और भक्ति इतनी ऊंची नहीं कि वो वैकुंठ जा सके। तो वैकुंठ का द्वार बंद हो जाता है, स्वर्ग का द्वार बंद हो जाता है। और वो नाम जब भी कर रहा था अंतकाल में उसने क्या पता नाम बोल दिया हो, तो फिर वो व्यक्ति जो है बच जाता है। तो अपनी जितना भी अरेंजमेंट है, ऐसा नहीं होता है कि एक व्यक्ति के मर जाने पर हमने बोल दिया राम नाम सत्य है और वो भक्त ही भगवत धाम में चला जाएगा। ऐसी हम कथाएं सुनते हैं कि अगर किसी ने अपने जीवन में कोई कार्य किया हो या अपने पूर्व जन्म में भक्ति करी हो तो ही वो व्यक्ति भगवत धाम जा सकता है, अन्यथा अगर अंत में नाम लिया भी तो स्वर्ग तक जा सकता है। तो ये व्यक्ति तो बहुत गलत काम में पड़ा था और भगवान ने ये नहीं कहा कि अंत काले चमामे व स्मरण मुक्ता कलेवरम, भगवान ने ये कहा है, ये नहीं कहा अंत काले चमामे व बुलवा मुक्त व कलेवरम, क्या बोला ये इंपॉर्टेंट नहीं, क्या स्मरण किया। तो हम नहीं जान सकते किस व्यक्ति की मृत्यु में उसने क्या स्मरण किया अपने अंत काल में, हो सकता है वो कोमा में हो और उसने अंत में क्या स्मरण किया, किसी साधु का चेहरा नजर आ गया जिससे वो निंदा करता था, जिससे घृणा करता था। तो ये बहुत ही मुख्य चीज है जो हम व्यक्तियों को, हम भक्तों को समझनी चाहिए और इस दोष दृष्टि से हमेशा हमको बचने का प्रयास करना चाहिए कि हम किसी साधु की निंदा ना करें।